देख रहे हैं साथियों आप गदर टू, बहुत तगड़ा माहौल, जबरदस्त, शानदार। चलो भैया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत ताबड़तोड़ शूटिंग चल रही है साथियों, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि सीन तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन आप इनसे अनुभव ले लो। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मूवी है जानदार, शानदार, जिंदाबाद है। और मुझे लगता है ये मूवी अगस्त माह में रिलीज होगी साथियों, देशभक्ति मूवी है। और मुझे पूरी आशा विश्वास है आप सभी पर कि इसे आप लोग बहुत प्यार देंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर दोस्तों बहुत तगड़ा सीन है। और आप देख रहे हैं साथियों, ये हैं पाकिस्तान के झंडे, ये बॉर्डर है यहाँ पर, है ना। ये बहुत तगड़ा माहौल है साथियों, है ना। ये दर्शक लोग हैं यहाँ पर, बहुत भीड़ है, पूरी व्यवस्था और बहुत तगड़ा माहौल है ना। बेटा पकड़ो मोबाइल को, अब जानेंगे साथियों हम दोस्त लोग से किस तरह का अनुभव हुआ। चलो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? यस सर। आप क्या बोलना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? साथियों पहली बात तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं वार ऑफिसर बना हूं, मैं नहा लिया हूं अभी और वापस आया हूं क्योंकि हमारी छुट्टी हो गई है। सेकंड बात, इस मूवी में जो दृश्य है, सीन है, उसका कोई तोड़ नहीं देशभक्ति के मामले में। और जो भी सीन हो रहे हैं दोस्तों, एकदम ओरिजिनल हो रहे हैं, बाजी साहब खुद कर रहे हैं, बहुत तगड़ा। और बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि इस मूवी को आप इतना प्यार दो, देशभक्ति मूवी है और आपको देना भी चाहिए। ये देख लो साथियों, इधर पूरा दर्शक लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ ये आर्मी के अंटे हैं और हम जो प्रवासी के अनुसार और जो चीज़ हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप इन लोगों ने ये सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने खुद इस मूवी में काम करा, लेकिन इस मूवी का आज तक की मूवी को तोड़ नहीं है। गदर टू आप लोगों ने देखी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा गदर टू से भी ये मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी, क्योंकि पाजी साहब भी हैं और इसमें आदरणीय आदर्श हमारे अनिल शर्मा जी भी हैं, उनके बेटे आदर्श शर्मा जी, उत्कर्ष शर्मा जी हैं, और इसमें हीरोइन दीदी सिमरन जी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। शुभम भी आज ही आया है सर, तुम कैसा लगा? तूने तो पूरा दृश्य देखा यहाँ पर। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं जब सर साथ में आना चाहता था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो मैंने सर से बात की, सर मेरी बहुत इच्छा आने की, सर ने बोला आ जाओ आज ही, मैं आज आया, मैंने दिन भर आकर शूटिंग देखी, सर ने भी पूरा 100% दिया और हमारे बंदों में इतना उत्साह देख के मुझे बहुत खुशी हुई और उम्मीद है कल से सर मुझे भी मौका मिलेगा मिलेगा। सेकंड बात दोस्तों मैं बता दूं, ये जो बच्चे हैं यहाँ पर पूरे देशभक्ति वाले, जुनून वाले हैं, मैंने सोचा कि यार 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाहर रह लें, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को इतनी ज़्यादा सीख मिली कि हम बता नहीं सकते, बहुत अनुभव मिला। सेकंड बात, कुछ लोग बोलते हैं कि इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले ने कितने रुपए लिए, बेटा कितने रुपए लिए अपन ने? ये दोस्तों इनके रगों में दोस्तों खून दौड़ता है, और हम केवल आए हैं दोस्तों देशभक्ति मूवी के लिए, और सेकंड बात आए हम पाजी साहब के लिए, सनी देओल जी के लिए। और इतना तगड़ा माहौल है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और फ्री एकदम, कोई चार्ज नहीं लिया हमने इस मूवी के लिए, हमने केवल अपने अनुभव के लिए, और इस हम बोलते ना कि हम कोच की तैयारी करते हैं और करवाते हैं, हमारे रगों में दोस्तों खून दौड़ता है ना। और इतनी ज़बरदस्त शानदार मूवी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ साथियों, तो आप लोग भी इस मूवी को बहुत प्यार देना और हम पूरा सिस्टम बताएंगे, लेकिन जो सीक्रेट जो चीज़ है वो बिल्कुल नहीं बता सकते आपको, क्योंकि जब आप लोग देखेंगे ना इस चीज़ को तो आप फील करोगे उस चीज़ का क्या दृश्य है। लेकिन जो भी इंटरनल चीज़ हो रही है और ये जो कैंप है दोस्तों इंडियन आर्मी वाला है, वो भी हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये केवल बच्चे हैं, इन्होंने काम किया है इस मूवी में, और मैं तो इनके दिल पर आदत दे रखो। सभी लोग कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है, मतलब समझ रहे हो, आपको एक जुनून है फौज में जाने का, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और बस मजा आया। कोई कुछ बोलना चाहेगा? बोलिए आप, डायलॉग बोलेगा? यस सर। हाँ, एक शायरी बोलूँगा। हाँ, हे जोश, जब तक जिंदगी में एक जुनून होना चाहिए और सपना हो फौज का, गरम खून होना चाहिए। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय भारत। जल्दी बड़ा बड़ा गो, सीधा निकलो, तो जाइए जाइए जाइए, चलो बड़ा बड़ा हेलमेट देके आ जाओ सभी लोग।
चलो चलो।